छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश में इस बार 5 लाख से ज्यादा युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने जा रहे हैं। ऐसे में युवा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि सियासी दलों ने अब युवाओं को रिझाने की तैयारी भी शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने चुनाव की दृष्टि से मतदाता सूची अपडेशन का काम प्रारंभ कर दिया है। पिछले 2 सालों में 3.5 लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में 2 लाख मतदाताओं के नाम और जुड़ेंगे। इस तरह लगभग 5,80,000 मतदाताओं के नाम चुनाव के पहले जुड़ने की उम्मीद है। फर्स्ट टाइम वोटर्स है, क्योंकि पहले ऐसा था, पिछले चुनाव में एक ही क्वालिफाइंग डेट हुआ करती थी। अब जो है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, तो इन तिथियों में भी जो 18 साल पूरा कर लेते हैं, ऐसे हमने चिन्हांकित किए हैं लगभग 5,80,000 नए मतदाता हैं, ये जुड़ेंगे। हमने 3.5 लाख के आसपास पहले ही जोड़ चुके हैं और हमारे पास अभी भी 1.5 से 2 लाख ऐसे नए मतदाताओं को जोड़ने की संभावना है। 5 लाख से ज्यादा युवा मतदाता सियासी दलों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि सत्तारूढ़ दल कांग्रेस, जहां बेरोजगारी भत्ता, बंपर भत्ता और न्यूनतम बेरोजगारी दर जैसे मुद्दों से इन्हें साधने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा युवा के मुद्दों पर सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। देखिए, आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में चाहे हमारे युवा मतदाता हों या फिर पुराने मतदाता हों, सभी के सभी कांग्रेस पार्टी की कार्यों से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से प्रभावित हैं और निश्चित तौर पर आज युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ तो एक प्रकार से पैराडाइज की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर है, 0.5% से भी कम बेरोजगारी दर है। तो ऐसी स्थिति में युवा मतदाता तो हमारे साथ प्रभावित है ही, और जिस प्रकार से हर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी योजनाएं बना रहे हैं, तो चाहे किसान, मजदूर, पुराने मतदाता भी हमसे प्रभावित है। ये लाखों के संख्या में तो युवा वोटर निश्चित तौर पर जुड़ेंगे, हर चुनाव में जुड़ते हैं, और युवाओं की संख्या हमारी प्रजातंत्र में बढ़ती जा रही है और हर बार ये जो फिगर है हर चुनाव में वो और बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार युवा मतदाताओं का नाम जुड़वाना, उनको उनका मताधिकार दिलाना और उसके साथ साथ उन लोग से संपर्क करना, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से और युवा मोर्चा के माध्यम से लगातार ये कार्य चल रहा है। छत्तीसगढ़ में हर चुनाव में युवा मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में जुड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार यह संख्या 5,80,000 से 6 लाख तक पहुंच सकती है। युवाओं का रुझान किस ओर जाएगा, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल युवाओं को साधने के लिए सियासी दलों की कोशिशें जारी है। रायपुर से NH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।